हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ घर पर सब सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज यहाँ हम आपके लिए लेकर आए हैं क्रिया। क्रिया कुछ नहीं है, जो आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था, काम वाले शब्द, उन्हीं को हम क्रिया कहते हैं। तो यहाँ हम उसकी क्रिया और उसके भेद जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लक्षित अधिगम बिंदु हमारे क्या, यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, क्रिया को परिभाषित कर सकेंगे, अनुच्छेद से क्रिया छांट सकेंगे, धातु को परिभाषित कर सकेंगे, धातु क्या होती है, धातु से क्रिया बना सकेंगे और क्रिया के भेद भी यहाँ पर आप बता सकेंगे। ये पिक्चर आपको मैंने दी है, चित्र आप देखिए और इस पर एक पैराग्राफ लिखने का प्रयास कीजिए। पैराग्राफ लिखने के बाद इसमें क्रिया को अंडरलाइन कीजिएगा, क्या होती है। तब तक मैंने एक पैराग्राफ लिखा है, उसे देखिए और क्रिया क्या है वो यहाँ से आप समझिए। कल रविवार है, मीना के स्कूल की छुट्टी है, वह अपने खिलौने के साथ खेल रही है। उसकी मम्मी आती है और उसे कहती है कि बेटा सोने का समय हो गया है, अब सो जाओ। वह फिर अपनी मम्मी से कहानी सुनाने की जिद करती है, तो उसकी मम्मी कहानी सुना रही है। कहानी सुनते सुनते नीना सो जाती है। तो यहाँ आप जब देखेंगे तो जो लाल कलर के शब्द हैं, तो बच्चे जब हम यहाँ पर देखते हैं तो पाते कि जो रंगीन शब्द है यानी कि लाल शब्द, उनसे किसी भी कार्य, किसी प्रकार के कार्य के होने या करने का हमें यहाँ पता चलता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का पता चलता है उनकी क्रिया कहते हैं। आशा करता हूँ क्रिया आपको समझ में आया होगा और इस चित्र को देखकर आपको भी एक ऐसा ही अनुच्छेद लिखना है और उसमें से क्रिया को अंडरलाइन करना है, रेखांकित करना है। चलिए आगे चलते। अब यहाँ हम आपको बताएंगे कि लिंग कारक और वचन के बदलने पर क्रिया का जो रूप होता है वो भी बदल जाता है। कैसे, देखिए, लिंग परिवर्तन होने पर वचन परिवर्तन हम देखेंगे। तो ये एक चित्र आया है एक लड़की का और यहाँ हमने बोला है कि लड़का पढ़ता है। रंगीन शब्द पर ध्यान देना, पहला लड़का पढ़ता है, दूसरा लड़की पढ़ती है। तो यहाँ जब लड़का पढ़ रहा है तो वो पढ़ता हुआ है और लड़की जब पढ़ रही है तो वो पढ़ती हुई है। ये लिंग क्या, जब लिंग बदलेगा तो क्रिया का रूप भी बदलेगा। वचन के आधार पर हम देख लेते हैं कि लड़का है दौड़ता है, यानी कि लड़का दौड़ता है। आगे ये एक लड़का था, दो लड़के आ गए, यानी कि बहुवचन हो गया है, लड़के दौड़ते हैं। तो इस प्रकार वचन बदला तो रंगीन शब्द यानी कि क्रिया में भी परिवर्तन आ गया, दौड़ता का दौड़ से हो गया। तो उपरोक्त वाक्य में क्रिया में होने वाले परिवर्तन के आधार पर हम कह सकते हैं कि क्रिया विकारी शब्द होते हैं। विकारी और अविकारी दो तरह के शब्द होते हैं, वो क्या होते हैं वो हम बाद में आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए आप विकारी शब्द जान लीजिए। विकारी शब्द वो शब्द होते हैं जो लिंग, वचन तथा कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं। ये आज का हमारा विषय नहीं, इसलिए इसके लिए हम जब विषय होगा तब चर्चा करेंगे। आज धातु, धातु समझ लीजिए, धातु क्या होती है, क्योंकि क्रिया बनाने के लिए धातु बहुत ही महत्वपूर्ण है। नीचे यहाँ एक टेबल दी गई है, इस टेबल को ध्यान से देखिए और ध्यान से देखने के बाद समझिए। हमने इसको तीन भागों में बांटा है, पहला भाग धातु, दूसरा धातु में जोड़ने वाले प्रत्यय और तीसरा भाग है क्रिया। ठीक है, तो यहाँ ये है उठ। उठ में जब हम ना जोड़ेंगे तो ये बन जाता है उठना। ठीक, इसी प्रकार जब हम उठ में आ जोड़ेंगे तो ये बन जाता है उठा। आप जब उठ में ए जोड़ेंगे तो ये उठे बन जाएगा और आप जब यहाँ पर ओ जोड़ेंगे तो उठो बन जाएगा। सेम उसी प्रकार से आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं और इनका इनके प्रैक्टिस कीजिए। आगे देखते हैं, तो यहां से हम क्या समझे, हम यहां से समझते हैं कि क्रिया के मूल रूप या सामान्य रूप, यानी कि जिस शब्द से क्रिया बनाई जाती है उसको धातु कहते हैं। इसमें प्रत्यय जोड़कर अन्य क्रिया शब्द बनाए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्रिया के भेद अपन देख लेते हैं। यूं तो क्रिया के काफी सारे भेद होते हैं, रचना की दृष्टि से, कर्म की दृष्टि से, वाक्य की दृष्टि से। तो यहाँ हम सिर्फ कर्म की दृष्टि से देखेंगे। कर्म की दृष्टि से सिर्फ दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया।
अब सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया क्या क्या होती है? सकर्मक क्रिया, साका मतलब जो होता है, साका मतलब होता है सहित, साका मतलब सहित, और कर्मक का मतलब कर्म, अर्थात सकर्मक कर्म की साथ, यानी कि जिस क्रिया में कर्म हो वो सकर्मक क्रिया होती है। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, एक लड़की है, क्या कर रही है? वाक्य में देखते हैं, लड़की गाना गा रही है, तो यहाँ पर लड़की करता है, गाना कर्म है और गा रही है क्रिया है। अगला वाक्य देखते हैं, अगला ये हमारा पोता है, आप देखिए लड़का, यहाँ बोल सकते हैं देख रहा है, पढ़ रहा है, क्या देख रहा है, क्या पढ़ रहा है, कुछ भी। तो हमने जो वाक्य इसको दिया है, लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहाँ लड़का करता है, पुस्तक कर्म है और पढ़ रहा है क्रिया है। तो बच्चों जब इन वाक्यों को हम देखते हैं तो यहाँ हमें कर्ता मिलता है, कर्म मिलती है और क्रिया मिलती है। कर्म क्या वो हम कैसे जानेंगे? तो इन वाक्यों में आप क्रिया के साथ, कर्ता और क्रिया के साथ क्या या फिर किसे लगाकर एक प्रश्न कीजिए, उत्तर में जो आपको मिलेगा वो कर्म होगा। जैसे लड़की क्या गा रही है, तो यहाँ उत्तर में हमको मिलता है गाना, ये कर्म है। लड़की क्या पढ़ रही है, यहाँ उत्तर में मिलता है हमको पुस्तक, तो ये कर्म है। तो आशा करता हूँ पुस्तक कर्म क्रिया समझ में आई होगी, और यहाँ हम इस वर्णन के आधार पर हम समझ सकते हैं कि जिस क्रिया में कर्म पाया जाता है उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। आशा करता हूँ बच्चे आप समझे होंगे। अब आगे हैं, आगे हमारी है अकर्मक क्रिया। तो जैसे सा का मतलब सहित होता है, आ का मतलब रहित होता है, रहित मतलब के बिना, कर्मक का मतलब वही पहले वाला कर्म, तो अर्थात कर्मक का मतलब हुआ कर्म के बिना, यानी कि जिस क्रिया में, जिस क्रिया के साथ कर्म ना हो। पहला चित्र देखते हैं, ये लड़का दौड़ रहा है, तो यानी कि मोहित दौड़ रहा है, तो यहाँ कर्ता और क्रिया ये दो है। अगला जब देखते हैं, तो ये लड़की जो भी है क्या कर रही है, रीना रो रही है, तो यहाँ भी सिर्फ दो ही है, कर्ता और क्रिया। अब वही हमने इससे पहले बताया क्या और किसे लगाकर प्रश्न करेंगे, तो उत्तर मिलता है, देख लेते हैं। चलिए, मोहित क्या दौड़ रहा है, कोई उत्तर नहीं है। रीना क्या रो रही है, कोई उत्तर यहाँ हमारे पास नहीं है। तो यहाँ हमें प्रश्न करने पर कोई उत्तर जब नहीं मिला तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ सिर्फ कर्ता है और क्रिया है, कर्म यहाँ पर नहीं है, और जब कर्म यहाँ नहीं है तो ये अकर्मक क्रिया है। अतः हम कह सकते हैं कि जिस क्रिया में कर्म नहीं पाया जाता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो बच्चों क्रिया आप यहीं तक थी, कुछ बातें हम अब यहाँ देख लेते हैं। होना अर्थात है, तथा था, ये भी क्रिया होते हैं। कुछ वाक्य में दो क्रियाएं भी पाई जाती हैं, जैसे मोहन पढ़कर सो गया, इन वाक्य में पढ़ना और सोना दोनों ही क्रियाएं। फिर कुछ ऐसे वाक्य भी होते हैं जहां दो तो कर्म पाए जाते हैं, जैसे मीरा ने पौधों को पानी दिया। अब यहां से हम वही क्या और किसे लगाकर प्रश्न करेंगे, तो पहला प्रश्न हमने किया मीरा ने पौधों को क्या दिया, उत्तर में मिला हमें पानी, तो पानी कर्म हो गया। किसे लगाकर प्रश्न किया, मीना ने किसे पानी दिया, तो उत्तर में प्राप्त हुआ हमें पौधों को, ये हमारा कर्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर दो दो कर्म हैं और ऊपर दो दो क्रिया। आगे चलते हैं, अब जो भी हमने पढ़ाया उसको दोहराने का समय आ गया, चलिए दोहराते हैं, मेरे साथ दोहराइया। काम का करना या होना बताने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं, क्रिया के बिना वाक्य अधूरा होता है, कारक लिंग तथा वचन का प्रभाव क्रिया पर पड़ता है, जैसा कि हमने देखा था लड़का दौड़ता है और लड़की दौड़ती है, लड़का पढ़ता है लड़की पढ़ती है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता था, धातु में प्रत्यय लगाकर हम कोई भी क्रिया बना सकते हैं। क्रिया के दो प्रकार होते हैं, यानी कि दो भेद होते हैं, पहला भेद सकर्मक क्रिया, दूसरा भेद अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में कर्म पाया जाता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिस क्रिया में कर्म नहीं पाया जाता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके सुझाव कमेंट में आमंत्रित हैं।